31 मार्च को भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर हमला हुआ। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। सीएम के आवास में घुसने की कोशिश हुई, उन पर उनके परिवार पर पर्सनली अटैक करने की कोशिश हुई, बूम बैरियर तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए, घर के दरवाजे पर हमला कर दिया गया। पूरा देश दंग रह गया इस गुंडागर्दी को देखकर कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री और उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक आम इंसान कैसे सेफ रहेगा? अगर मुख्यमंत्री का आवास, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी गुंडागर्दी हो सकती है, तो एक आम इंसान के साथ कैसी गुंडागर्दी हो सकती है भाजपा के नेताओं द्वारा? पूरे देश के सामने ये सवाल उठ गया। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले पर बहुत सख्त टिप्पणी करी। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी तो क्या होता है? भाजपा के नेतृत्व द्वारा, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनकी तारीफ की जाती है। तो आज इन गुंडों की इनकी तारीफ कर इनका सम्मान कर भाजपा ने अपना असली चेहरा पूरे देश को दिखा दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा गुंडों का सम्मान करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा मार पिटाई करने वालों का सम्मान करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा लुच्चे लफंगों का सम्मान करती है, और इनको सम्मानित करके उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को यह संकेत दे दिया है कि बेटा तुम भी गुंडागर्दी करो, तुम भी लफंगाई करो, तुम भी तोड़ फोड़ करो, तुम भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करो, और यही करके पार्टी तुम्हें सम्मानित करेगी, यही करके पार्टी तुम्हें टिकट देगी, यही करके पार्टी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे उतना ज्यादा भाजपा में आगे बढ़ोगे।